आज के दिन देश में एक बेहतर समाज और सरकार बनाने के लिए महिला आरक्षण को तत्काल लागू करने के पक्ष में आए हुए बहनों और भाइयों, आई बेग फॉर परमिशन फ्रॉम आवर इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स टू स्पीक इन हिंदी सो दैट यू आर एबल टू कम्युनिकेट टू द लार्जर कंस्टिट्यूएंसी. यू ऑलरेडी गॉट अ समरी ऑफ व्हाट द बुक इज ऑल अबाउट इन इंग्लिश. इस समय जो देश की सरकार की हालत है, देश की गरीब और कामकाजी जनता की हालत है, उसको देख करके कम से कम महिलाएं ये कह सकती है कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, क्योंकि हमको तुम्हें मौका ही नहीं दिया इस घर को संवारने का, इस सरकार को चलाने का. लोकसभा विधानसभा इन दोनों जगहों पर बहस की बजाय हुल्लड़ ज्यादा होती है, और वो भी क्यों नहीं, क्योंकि वहां पर इस समय लोकसभा में पिछला जो चुनाव हुआ जिससे एक नई सरकार बनी, उसमें 550 लोगों में से लगभग 300 लोग करोड़पति हैं, और देश में 1 अरब 10 करोड़ लोगों में से 84 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी रोज की आमदनी 100 रुपए से ज्यादा भी नहीं है. तो करोड़पति कंगाल के बारे में क्या सोचे और क्या बोले. और फिर इसी लोकसभा में, विधानसभा की बात अभी नहीं करेंगे, बिना महिलाओं के आरक्षण के लगभग 150 लोग ऐसे हैं जिनको पुलिस खोज रही है, लेकिन उन्होंने जमीन कब्जा कर रखा है, ये किडनैपिंग कराते हैं, ये तस्करी कराते हैं, कुछ श्रीमान लोगों ने तो हत्याएं भी की हैं. तो ये कानून तोड़ने वाले वहां बैठे हुए, कानून बनाने वाले मंदिर में. इसको सुधारने के लिए 1974 से जनता की चीख पुकार चल रही है, और उस समय के सबसे बड़े देशभक्त, सबसे निर्मल नेता, जिनके पीछे लाखों लोग चले और चल के कुछ लोग प्रधानमंत्री बने, कई लोग मुख्यमंत्री बने, और ज्यादातर हम सब मनुष्य तो बन ही गए, ऐसे जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि ये जनतंत्र खतरनाक ढलान पर आ गया, यहां पैसे का बल चल रहा है, यहां पर भ्रष्टाचारियों को पार्टी की आड़ में आगे बढ़ाया जा रहा है, इसको बचाओ. और इसके लिए उन्होंने कहा था कि आम लोगों की ताकत नहीं दिखाई पड़ रही है लोकतंत्र में. हमारे बड़े भाई और नेता श्री शिवानंद तिवारी वगैरह ने उस समय बिहार में देश की इस पुकार को आवाज दी थी, और वहां से जो आग चली वो सारे देश में ऐसी गर्माहट पैदा हुई कि दिल्ली की पोल खुल गई थी. लेकिन इस बार कुछ गड़बड़ हो गया. हम देख रहे हैं कि देश में तीन बड़ी कमियां हैं. एक तो विकास की कमी है. विकास की कमी के कारण देश के अंदर आर्थिक तरक्की होने के बावजूद लगभग 3/4 हिंदुस्तान बेहद असहाय हालत में है, और सब बड़े शहरों की तरफ भाग रहे हैं. ये जो बैठे हैं यहां लोग, हम सब सबके घरों में ये जानकारी है कि जो लोग कस्बों में छूट गए, गांव में छूट गए, छोटे शहरों में हैं, जहां 10 घंटे 12 घंटे बिजली नहीं है, जहां फिरौती का राज है, गुंडों का राज है, चाहे वो एक सरकार हो चाहे दूसरी सरकार, उसमें दल से कोई फर्क नहीं पड़ता. जो ये मुट्ठी भर कमल खिले हुए हैं, बंगलोर, बंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, इन कमल के बीच में जो भंवरे शहद इकट्ठा कर रहे हैं, मधुमक्खियां शहद इकट्ठा कर रही हैं, यही अपने को हिंदुस्तान समझ रहे हैं. कैसे इसको बदला जाए कि विकास की रोशनी गांव कस्बे तक जाए, इसमें लोगों का ध्यान न जाए, इसके लिए तरह तरह की नई राजनीति शुरू कर दिया गया कि देश में विकास इसलिए नहीं है कि राजनीति